धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने रेल बजट पर मुझे बोलने का समय दिया। माननीय रेल मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें गरीबों को जो सुविधाएं प्रदान की हैं, निश्चित ही ये सुविधाएं उन गरीबों के लिए अद्वितीय सुविधाएं होंगी। जैसे पैसेंजर जैसी ट्रेन में टेलीफोन को रिचार्ज करने की सुविधा, अन्य ढेर सारी सुविधाएं माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में पेश की हैं, उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र है जालौन गरौठा भोगनीपुर, जो उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। मानवर वहाँ झांसी से लेकर कानपुर के बीच में दोहरीकरण का काम चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस दोहरीकरण को काम को तेजी लाने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो दिल्ली से सीधी उस क्षेत्र को जोड़ती हो। मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि दिल्ली से चलकर कानपुर के लिए एक जो श्रम शक्ति है वो रात में 11:50 पर कानपुर दिल्ली से चलती है और सुबह 6 कानपुर पहुंच जाती है। कानपुर पहुंचने के बाद वो पूरे दिन कानपुर में खड़ी रहती है। अगर उस ट्रेन को कानपुर से झांसी तक बढ़ा दिया जाए तो जो 200 किलोमीटर का ट्रैक है, 200 किलोमीटर के जो यात्री हैं, बीच में जो स्टेशन हैं कानपुर और झांसी के बीच की, उन सारे यात्रियों को सीधा सीधा दिल्ली से जोड़ा जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र से एक गाड़ी झांसी से कलकत्ता के लिए चलाई गई है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। वो सप्ताह में एक बार चलती है लेकिन वो भी शुक्रवार को जाती है। जबकि इस रूट पर जब ये गाड़ी झांसी से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद होते हुए कलकत्ता को जाती है, हमारा जो क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र है, सारा का सारा हमारा जो इलाहाबाद नगर है, हमारा जो इलाहाबाद है वहाँ हाई कोर्ट है, वहाँ बड़े बड़े विश्व मतलब ढेर सारी हमारे विद्यालय की सारी चीज़ें वहाँ ऑफिस है, मतलब ये समझिए कि वहाँ सारा काम हमारा इलाहाबाद में होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो गाड़ी शुक्रवार को वहाँ चलती है, शुक्रवार जाने का मतलब शनिवार के पहुँचने का कोई मतलब ही नहीं है, इस गाड़ी को प्रतिदिन चलाया जाए। और प्रतिदिन चलाने से ये होगा कि जो हाई कोर्ट हमारे जो केसेस करने जाते हैं हमारे यहाँ के यात्री, उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में झांसी से लखनऊ तक एक इंटरसिटी चलाई जाती है जो मेरठ तक बढ़ा दी गई है, वो सुबह चलती है। उसमें एक एसी चेयर कार का डिब्बा लगता है, विशेष तौर से इतनी उसमें भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, मेरी मांग है कि उसमें एक और एसी चेयर कार का डिब्बा लगाया जाए जिससे वहाँ से चलने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके, और साथ साथ में एक जनरल डिब्बा भी उसमें पीछे लगाया जाए जिससे यात्री ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सके, क्योंकि ये गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत भरकर गाड़ी चलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 8 है, 8 से 5 तक एक शटल चलाई जाती है, वो सुबह 5 से 8 आती है, 8 आने के बाद वो 4 तक वहाँ खड़ी रहती है। वो 4 खड़े होने का मतलब ये है कि अगर किसी को 9:30 अगर पैसेंजर पकड़ना है तो वो 6:30 वहाँ से ट्रेन को बैठ के कम से कम 4 तक वो 8 स्टेशन पर इंतज़ार करते हैं। मेरी मंत्री से ये मांग है कि उस ट्रेन के शटल जो चलती है उसका एक फेरा जो सुबह 6:40 पर 8 आ जाती है, 8 आने के बाद 8 फिर पुनः कौन चली जाए और कौन से फिर वापस आ जाए, तो कम से कम 4-5 का जो सफ़र अपने यात्रियों को, गरीब लोगों को जो इंतज़ार करना पड़ता है वो इंतज़ार नहीं कर पड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक कानपुर देहात का भी क्षेत्र आता है, वहाँ नया जिला बना है, वहाँ की एक स्टेशन है पोखराया, वहाँ मैंने मांग पिछले भी मांग की थी कि वहाँ पर कुछ ट्रेनों का ठहराव किया जाए, अभी उसमें ठहराव नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस पोखराया स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस, उद्योग नगरी चेन्नई लखनऊ एक्सप्रेस और एक उद्योग कर्मी एक्सप्रेस जो गाड़ियां हैं, ये एक ही नाम से कई गाड़ियां हैं जी, मतलब एक ही गाड़ी है, वो सप्ताह में
चलती है बराबर, कभी उद्योग नगरी के नाम से, कभी उद्योग कर्मी के नाम से, और कानपुर से सूरत तक चलती है। मेरा माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि निश्चित ही इस गाड़ी का ठहराव पोखरा स्टेशन पर किया जाए, जिससे उस जिले के लोगों को, जो नया जिला बना है, वहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित ही मेरे इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जो 8 स्टेशन जो जंक्शन है, जिसके बारे में हमने बताया था, निश्चित वहाँ पर राप्ती सागर एक्सप्रेस, लोकमान तिलक और पुष्पक स्टेशन को भी अप और डाउन में उस जंक्शन पर रोका जाए, जिससे कौन से आने वाली जो शटल आती है उसके यात्री वहाँ से लाभ ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।